मैं हूं आपका जीएम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे लस एलसीएम। इससे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में अपन लस एलसीएम तीन उदाहरण हैं इनकी सहायता से सीखेंगे। तो किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम या लसर निकालने के लिए अपन को जो संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और वो भी एक साथ, यानी कि अपन को संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए एक साथ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे 18 और 24 का। तो 18 और 24 के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वो भी एक साथ। तो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे, तो एक का भाग तो अपन देंगे नहीं, क्योंकि एक का भाग तो 18 और 24 या किसी भी संख्या में देने पर वापस आ जाएगी संख्याएं, और दूसरी बात एक अभाज्य संख्या होती भी नहीं है। तो एक के बाद दो, अब दो का भाग 18 और 24 दोनों में जा रहा है, इसलिए दो का देंगे। वैसे अपने पास जितनी भी संख्या है उसमें से किसी भी एक संख्या में जैसे दो का भाग जा रहा है तो भी अपन दे सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों संख्याओं में जा रहा है इसलिए दो का देंगे। तो सबसे पहले दो का भाग 18 में, तो दो का भाग 18 में देंगे तो जाएगा 9 बार। उसके बाद दो का भाग 24 में जाएगा 12 बार, ओके। उसके बाद अभी देखो 9 और 12, किसी एक में दो का भाग जा रहा है, बिल्कुल 12 में जा रहा है दो का भाग, 9 में जा नहीं रहा है तो वापस 9 का 9 उतर जाएगा। अब दो का भाग 12 में जा रहा है कितनी बार, 6 बार। फिर 9 और 6, किसी एक संख्या में दो का भाग जा रहा है 6 में जा रहा है, इसलिए वापस दो का भाग देंगे। तो 9 का तो 9 उतर जाएगा क्योंकि 9 में तो जा नहीं रहा है, 2 का भाग 6 में जा रहा है पूरी बार 3 बार। अब 9 और 3, किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 2 के बाद 3, 3 का भाग 9 और 3 दोनों में जा रहा है तो देंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और इधर 3 का भाग 3 में गया 1 बार, वापस 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और इधर 1। अब अपन क्या करेंगे, लसर निकालेंगे। अब लसर के लिए क्या करेंगे, जो ये आपको अभाज्य संख्याएं आई है साइड, इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 आपका हो गया 4, 4 गुणा 2 8, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 24। अब 24 का गुणा कर देते हैं 3 से, 24 का गुणा करते हैं 3 से, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 का 2 हंसील 1, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7, यानी कि 72। तो इन सब का गुणा करने पर आपका आ जाएगा 72, यानी कि इस प्रकार आपका 18 और 24 का लस 72 आ गया। यानी कि 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 और 24 दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब करेंगे 48 और 30 का, ठीक है, वही तरीका है। सबसे पहले 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 8 और 0 है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 48 में अपन दे के देख लेते हैं, 48 में 2 का भाग, तो 2 का भाग 48 में देंगे तो 2 का भाग 4 में पहले 2 बार जाएगा, यहाँ उतर जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, उतर गया 8, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, यानी कि ये आपका आ गया 24। तो 2 का भाग 48 में जाएगा 24 बार। उसके बाद 2 का भाग 30 में, तो 2 का भाग 30 में देंगे तो 2 का भाग 3 में 1 बार, यहाँ उतर जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, उतर गया 0, 10, 2 का भाग 10 में गया 5, यानी कि 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा। अब 24 और 15, किसी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का भाग 24 में पूरा पूरा जा रहा है तो 2 का देंगे। तो 2 का भाग 24 में अपन को पता ही है कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 2 का भाग 15 में गया नहीं इसलिए 15 का 15 उतर जाएगा। अब फिर 12 और 15, इनमें भी 2 का भाग 12 में जा रहा है इसलिए फिर 2 का देंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा और 15 में जाएगा नहीं इसलिए वापस 15 का 15, 6 और 15, अभी भी 2 का भाग 6 में जा रहा है तो 2 का ही देंगे। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 15 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं इसलिए 15 का 15। अब 3 और 15, किसी भी संख्या में 2 का भाग जा नहीं रहा है तो 2 के बाद 3, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 3 का भाग 15 में गया 5 बार। अब 1 और 5, 5 एक अभाज्य संख्या इसलिए 5 में 5 का ही जाएगा, 1 का 1 और 5 में 5 का गया 1 बार। चलिए अब लसर के लिए इन सब को जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा तीन गुणा पाँच। तो सबसे पहले दो गुणा दो चार, चार गुणा दो आठ, आठ गुणा दो सोलह, और सोलह का गुणा तीन से कर लेते हैं। सोलह का गुणा तीन से करेंगे तो अपन को पता ही है कितना आता है, अड़तालीस आता है। तो जब सोलह का गुणा तीन से कर देंगे तो आ जाएगा अड़तालीस, और अड़तालीस का गुणा करना है पाँच से, अड़तालीस का गुणा करना है पाँच से। तो आठ गुणा पाँच ये आपका हो जाएगा चालीस, चालीस का ज़ीरो आंसर चार, पाँच गुणा चार बीस, बीस और चार जुड़कर चौबीस। तो इन सब का गुणा आपका आ गया दो सौ चालीस, दो सौ चालीस। तो इस प्रकार अड़तालीस और तीस का जो लसा है वो आपका हो गया 240, यानी कि 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 48 और 30 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब है 48, छप्पन और बहत्तर। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, एक साथ करने हैं, चाहे तीन संख्याएं हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो। अब सबसे पहले दो का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है क्योंकि इकाई अंक आठ छः दो है, तो दो का भाग देंगे। दो का भाग सबसे पहले 48 में, अभी दो का भाग 48 में अपन ने दिया था 24 आया था, तो दो का भाग 48 में देने पर तो आ जाएगा 24। अब दो का भाग देंगे छप्पन में, दो का भाग छप्पन में, तो दो का भाग पाँच में जाएगा, दो बार यहाँ उतर जाएगा चार, पाँच में से चार गए एक, उतर गया छः, दो का भाग सोलह में जाएगा आठ बार। तो इस प्रकार दो का भाग छप्पन में जाएगा 28 बार पूरा पूरा। अब दो का भाग देना है बहत्तर में, तो दो का भाग बहत्तर में देंगे, दो का भाग सात में जाएगा तीन बार, यहाँ आ जाएगा छः, सात में छः गया एक, उतर गया दो बारह, दो का भाग बारह में छः बार, यानी कि दो का भाग बहत्तर में जाएगा आपका 37 बार। अब फिर दो का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक आपका चार है, आठ है, छः है, इसलिए दो का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है। दो का भाग 24 में अभी दिया था कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और दो का भाग 28 में देंगे तो आ जाएगा आपका 14। दो का भाग 37 में देंगे तो दो का भाग 37 में देने पर अपना आ जाएगा 18। फिर दो का भाग सभी में जा रहा है तो दो का भाग 12 में जाएगा 6 बार, दो का भाग 14 में जाएगा 7 बार, दो का भाग 18 में जाएगा 9 बार। अब देखो 6 7 9, यहाँ 6 में दो का, 6 में दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 और 9 में नहीं जा रहा, फिर भी अपन दो का ही देंगे क्योंकि अपन को पता है किसी एक संख्या में भी यदि जा रहा है तो देते जाना है। तो दो का भाग 6 में गया 3 बार, दो का भाग 7 में जाएगा नहीं तो 7 का 7, दो का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 का वापस 9 उतर जाएगा। अब देखो यहाँ दो का भाग किसी में नहीं जा रहा तो दो के बाद 3, 3 का भाग यहाँ जा रहा है, 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7, 3 का भाग 9 में 3 बार। अब वापस 3 का जा रहा है 3 में, 1 का तो 1 उतर जाएगा, 7 में नहीं जाएगा 7 उतर जाएगा, 3 का 3 में गया एक बार। अब आपकी एक 7 ही बची है, 7 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 7 में 7 का ही जाएगा, एक 7, 7 का भाग 7 में गया एक बार। अब लसक के लिए इन आपस में, इनको अपन आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3, 16 का पहाड़ा 3 बार 48, और अब 48 को गुणा करना है 3 से, तो 48 का गुणा अपन करेंगे 3 से, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12, 12 और 2 14, ये आ गया 144। तो यहाँ तक 48 और 3 का करने पर 144, अब 144 का गुणा कर देंगे 7 से, 144 का गुणा कर देंगे 7 से, सो 7 का गुणा 4 से, 7 का गुणा 4 से करने पर आपका आ जाएगा 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 का गुणा 4 से 28, 28 और 2 30, 30 का 0 आंसिल 3, 7 का गुणा 1 से 7, 7 और 3 10, तो 10 का 10। तो इस प्रकार इन सब का आपस में गुणा करने पर अपने पास जो आंसर आया वो आया है 1008। तो इस प्रकार 48, छप्पन और बहत्तर का लसा आ गया है 1008, यानी कि 1008 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 48, छप्पन और बहत्तर का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो एलसीएम के लिए अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं संख्याओं के, वो भी एक साथ।